शादी होने वाली थी तो मेरे पेरेंट्स से मैं बड़ी मुश्किल से लड़कर जो है टूर पे गई थी, क्योंकि मुझे लगता था कि शादी के बाद पता नहीं मौका मिले ना मिले। एन उस दिन जिस दिन मेरी माइयों थी उस दिन मैं टूर से दिन के वक्त वापस आई हूँ और रात में मेरी माइयों थी और मेरा पूरा घर मुझसे बेइंतहा नाराज़ था, लेकिन मैं फिर भी गई थी, वादा करके गई थी कि आऊँगी और ये सारे फंक्शंस जो है वो एज पर प्रॉपर हों। और ये तुम लोग कर क्या रहे हो? जमा कर रहे हो? अब इस वक्त हम जंगल वैली में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फातिमा अली है, मेरा ताल्लुक कराची से है। मुझे पहाड़ और हंसी वादियाँ घूमने का शौक़ है। ये शौक़ मुझे 16 साल की उम्र से शुरू हुआ जब मैंने पहला सफ़र किया सवात की तरफ, लेकिन जब मैंने ये सख्त रास्ता कवर किया और मैं उस नेचर के एनवायरनमेंट में दाखिल हुई तो मुझे वहाँ जो चीज़ महसूस हुई और वो एहसास जो है वो आज तक उसने मुझसे अब तक इस सफ़र को जोड़ के रखा है। उसके बाद मैंने कई सफ़र किए, अकेले भी किए हैं 17 से 18 दफ़ा। फिर उसके बाद मेरी शादी हुई, शादी के बाद कुछ गैप आया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दो बच्चे हैं। मेरा बेटा है इस वक्त 9 साल का, बेटी है 8 साल की। जब मेरे बच्चे थोड़े बड़े हुए, यानी कि जब मेरा बेटी की उम्र जो है वो 3 साल और बेटी 2 साल की थी, मुझे लगा ये चलने लगे हैं तो इनको भी लेके जाना चाहिए वहाँ पर, इनको भी नेचर से आगाही देनी चाहिए। इनको मैं पहली दफ़ा लेके गई हूँ और उनके लिए पहली दफ़ा बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था। ट्रैक अगर देखे जाएँ तो 3 मुश्किल ट्रैक अभी तक हैं, वो तीनों ही मुश्किल हैं जिन पर मुझे लगा था कि एक लम्हे में आके कि ये मुझे नहीं करने चाहिए बच्चों के साथ, क्योंकि कश्मीर में रत्ती गली एक हद तक गाड़ी और उसके बाद जीप, जीप कभी भी स्टेबल नहीं रही। इसके अलावा जब हम नागा पर्वत बेस कैंप पे गए जिसे फेरी मेडोज़ का रूट कहा जाता है, उस पर भी जीप जाती है तो उसका जो ट्रैक है वो इतना पतला है कि जीप का टायर और जो उसकी हद है वो आप नीचे देखें तो चकरा के गिर जाएं। फिर उसके बाद मोस्ट रिसेंट में गई थी कटोरा लेक, कटोरा लेक पर फैमिलीज नहीं जाती। इन तमाम टूर्स में एक ऐसा वाक़ा भी था जिसको मैं आज भी याद करती हूँ तो मैं घबरा जाती हूँ कि टूर्स पे बच्चों को ले जाना क्या सही है। उस ट्रैक पे जब हम गए, मैं जब जिस पॉइंट से जीप मिलती है वहाँ पे मुझे 4 जीप वालों ने रिजेक्ट कर दिया था कि इन बच्चों के साथ आप आगे नहीं जाएं क्योंकि फैमिलीज नहीं गई हैं अभी तक। अचानक क्योंकि बर्फ़ में ये पता नहीं चल पाता कि नीचे पत्थर है या पानी है, बेटा मेरे साथ था और एक हाथ में मेरे मतलब दूसरी तरफ मेरी बेटी थी, दोनों के बैक पैक्स को मैं खुद कैरी कर रही थी क्योंकि 3 घंटे की मुसाफत बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इनफ थी। सडन मेरे बेटे का जब पाँव फिसला तो उस वक्त मुझे लगा कि बस अब पता नहीं क्या होने वाला है, क्योंकि अगर मैं हाथ छोड़ती अपनी बेटी का तो मेरी बेटी को भी डायरेक्शन नहीं पता थी। इवन के वहाँ पर हम लोगों ने कंपास की हेल्प ली हुई थी तो हम उस डायरेक्शन पे चल रहे थे जो हमें मिल रही थी। उस वक्त मैं बहुत घबरा गई, बेटे ने सहारा तो लिया टैनी का लेकिन उस वक्त मुझे लगा कि ये पता नहीं क्या होगा। विद इन अ 5 या 10 मिनट्स सेटल डाउन किया, बच्चा था बहुत डर गया था घबरा गया था, बेटी को किसी तरह अपने साथ मैंने कहा कि पकड़ो मुझे और फिर उसको मैंने खींचा। तो उस टाइम मुझे लगा कि शायद नहीं जाना चाहिए इस तरह से ट्रैक पे, लेकिन फिर भी एक यह है कि इसके बाद ये अंदाज़ा हो गया कि ऐसी चीज़ों को भी सेटल डाउन करना आना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि शौक जो है वो आपको रोकने नहीं देता किसी चीज़ से। सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारी फैमिलीज़ मुझसे कनेक्टेड हैं जो मुझसे गाहे बगाहे आइडिया लेती रहती हैं, जिनको मैं बता देती हूँ कि अगर उनके साथ छोटे बच्चे हैं, कम एज के हैं और अगर उनके साथ सीनियर सिटीजन भी जाना चाहते हैं तो किस सीज़न में कौन सा इलाका उनके लिए बेहतर है और किन किन चीज़ों की मदद से वो अपने सफ़र को बेहतर बना सकते हैं।